नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कांग्रेस नेताओं पर हो रहे हमलों और हत्याओं को साफ जाहिर एवं संकेत देता है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं है। कांग्रेस नेताओं का ये घटना घटित हो रही है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री। 16 मार्च 2021 को छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा के ग्राम पटिया में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष घुवारा इंद्र प्रताप सिंह छोटे राजा की हत्या के बाद उनके घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, मध्यप्रदेश की कानून व्यवस्था पटरियों से उतर गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक सच्चा सिपाही खोया है जिसका मुझे नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी को दुख है। और परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने परिजनों से कहा, छोटे राजा के भाई की हत्या के बाद सरेआम घूम रहे थे फरार अपराधी। मध्यप्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की लापरवाही से घटना ही घटित। उनके साथ पहुंचे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह, पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखन पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बहुत बड़ी बैठक में काम बात कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है जनता में। यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उनको चिंता नहीं है। मेरे पास तो यहां तक खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेताओं के संरक्षण में सारा काम हो रहा है। सर, क्या भाजपा के जो नेता हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो सकती? निश्चित हो सकती है, प्रमाण होने चाहिए। प्रमाण आपके पास हो तो हमें दे दीजिए। सर, पिछले 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही, इंद्रपाल जी के द्वारा 70 से ज्यादा बार आवेदन दिया गया कि मुझे गार्ड की व्यवस्था की जाए, पर सर कांग्रेस शासन में ही नहीं। मुझे इस बात का दुख है कि हम लोग उसमें नहीं कर पाए। क्यों नहीं हो पाया मैं नहीं जानता, लेकिन आलोक चतुर्वेदी जी ने मुझे आज बताया है और मुझे भी पहले एक बार उन्होंने बताया था। मैंने